इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको सिचुएशन कंट्रोल नहीं करनी है आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं स्टॉप एक्सपेक्टिंग कार्ड गिविंग आपको एनर्जी चाहिए कुछ परफॉर्म करने के लिए कहा लेने पड़ेंगे आपको रिपेयरिंग करनी है मसल की प्रोटीन चाहिए लाइफ में फैट्स ये दो चीज़ों को सपोर्ट करेगा आपकी बॉडी लो रेस्ट कम रखो आप सॉर्टेड हो Hemant Kumar was born and brought up in Delhi. Since birth, he was physically weak and hence suffered from a lot of illness and sickness, felt underconfident and had low self-esteem due to his physical weakness. And from there, his journey began to this industry and also towards self-love. Hemant switched to bodyweight training from weight training. He is a certified bodyweight fitness and calisthenics coach and now has an experience of over 10 years in bodyweight fitness. तीन से से ज़्यादा ज़्यादा नहीं नहीं खाने खाने चाहिए चाहिए। या दो से नहीं खाने बहुत बड़े हैं हैं। जो आधा-आधा डब्बा आधा खाते थैंक यू सो मच हेमंत फॉर ज्वाइनिंग टाइम निकाला आज फ्रॉम योर बिजी वर्कआउट एंड योर डेली शेड्यूल और आज इस एपिसोड में राहुल को आपको बहुत सारे जवाब देने हैं. सो आई सुपर एक्साइटेड टू यू

और मे बी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस उनको समझ में नहीं आती होंगी दे मोस्टली फिटनेस का नाम सुनते जिम आता है दिमाग में तो कैलस्टैनिक्स की जर्नी थोड़ा सा बताओ और अपने बारे में बताओ कि आप कहाँ से आपको ये समझ में आया ये मेरी स्टोरी बहुत लंबी है मैं कट शॉर्ट करता हूं। uh, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी जब मैं 2007 में आई वॉज आई स्टार्ट माई कॉलेज तो उस टाइम पे आई वॉज वेरी माल न्यूट्रिशन मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी मुझे ब्रॉनकाइटिस था हेल्थ इश्यूज थे एंड आई यूज टू सफ़र अलॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो दैट पूरा हेल्थ एस्पेक्ट तो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक नीड थी कि मैं फिटनेस में घुसूँ बट उस टाइम फिटनेस का मतलब था बॉडी बनाना वो mm. जनरली आप कहीं भी जाओ एक नॉर्मल अगर आज कोई पैदा भी हो रहा है उसको कुछ दिख रहा है तो वो दिख रहा है मुझे बॉडी बनानी है तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया लोकल ट्रेनर्स के अंडर मैं गया मैंने काफ़ी सप्लीमेंटेशन लिए बहुत ही स्टीरो वे में मैंने बॉडी बनाई तीन साल मैंने रेगुलरली बॉडी बिल्डिंग करी और बॉडी भी बनाई बट उससे मुझे ये नहीं मिला जो मुझे चाहिए था दैट वाज फिटनेस तो फिटनेस का जब हम बात करते हैं तो फिटनेस लोगों को लगता है बॉडी बनाना है बट फिटनेस वो नहीं है फिटनेस इज टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ मोबिलिटी एजिलिटी स्पीड स्टैमिना ये सारे कॉम्पोनेट्स पे जब आप काम करोगे तो आप फिट कहलाए जाओगे करेक्ट तो वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग था वो तीन साल में एंड देन वेन आई मेड दैट बॉडी उसके बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई क्योंकि जो मैंने सप्लीमेंटेशन लिया था या जो मैंने न्यूट्रिशन एक बहुत ही आ, एमेच्योर वे में न्यूट्रिशन लिया था उस टाइम पे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन वो कहीं ना कहीं बैक फायर करके मैं हॉस्पिटलाइज हुआ काफी चीजें हुई मैंने केम बैक अगेन टू दैट सेम पोजिशन तो hmm. मुझे बहुत uh, मुझे वो यार ये क्या हो गया अभी तो नहीं तीन साल मेहनत करी अब क्या हो गया फिर मैंने दोबारा फिटनेस समझी क्योंकि मेरे सामने एक माइकल वैस की उसकी वीडियो आ गई थी ही इज अ वेरी रिनाउंड इंटरनेशनल एथलीट व्हेन इट कम्स टू बॉडी वेट फिटनेस नॉट कैलिस्थेनिक्स बॉडी वेट फिटनेस तो मैंने देखा यार ये बंदा कर क्या रहा है मतलब हवा में उड़ रहा है एक्सप्लोसिवनेस देखो इसकी स्ट्रेंथ देखो इसकी तो ऐसा तो हो सकता है मतलब पॉसिबल है ह्यूमन hmm. ही है ना वो भी तो मैंने फिर और सर्च किया हाउ टू बी अ सुपर ह्यूमन हाउ टू गेट दैट लेवल ऑफ फिटनेस तो वहां पे मुझे टर्म मिली कैलिस्टेनिक्स hmm. तो फिर कैलिस्थेनिक्स के बारे में समझा अब क्योंकि उस टाइम मैं एमबीए कर रहा था तो मैं एमबीए करने के बाद मैं बैंकर बन गया था बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन टू बैंकिंग साथ में उठा लिया अब वो कैलिस्थेनिक जब मैंने लिटरल मीनिंग पढ़ा तो इट मीन इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड केलोस एंड थेनोस थेनोस तो केलोस इज इज ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ तो ब्यूटी ऑफ स्ट्रेंथ विद योर ओन बॉडी वेट तो उस टाइम मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी मैंने बस ये देखा कि कौन कैलिस्थेनिक्स कर रहा है और उसको मैंने देख के ढूंढ के क्रिस हेरिया मुझे मिला जो एक यूट्यूब पे बहुत फेमस था करे, करे, उस टाइम पे तो मैंने उनकी वीडियोस देखी और मैं लग गया करने और मुझे लगा करते करते हो जाएगा ऐसे कर लेंगे तो ऐसे करते करते हो भी गया लेकिन जब मैंने चीजें समझ के करी कि कैलिस्थेनिक्स में करना क्या है एक्सरसाइज hmm. साइंस क्या है बॉडी की साइंस क्या है और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं मैंने फिर उसके बाद कापुएरा एनिमल फ्लो मूवमेंट सब मैंने एक्सप्लोर किया कैलिस्थेनिक्स का बेस था स्ट्रेंथ hmm. तो सब कुछ जब मिला के मैंने काम किया तो देन विद टाइम विद फाइव ईयर्स सिक्स ईयर मैंने खुद इंकल्केशन डाली दूसरों को कराई फिर आई वॉज रेडी बाय ट्वेंटी 1918 था, but मुझे को कुछ देना था, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ मैं नहीं चाहता और किसी के साथ ऐसा हो और लोगों को पता चले एटलीस्ट की फिटनेस होता गया है तो दैट वॉज द मेन ड्राई फ्री आपको पता ही नहीं है आप क्या चीजें नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो करेक्ट बड़ा होगा hmm. उनको बस पता नहीं है कैसे करना है you know, दिया हुआ है आपको जिम जाना बॉडी बनानी है जिम जाना बॉडी बनानी है उनको पता ही नहीं है ये चीजें तो उस टाइम पे कैलिस्थेनिक्स की बात करें तो गिने चुने लोग करते थे इंडिया में भी इफ आई टॉक अबाउट दैम देस वन एंटिटी कॉल्ड aiw डब्ल्यू इंडिया स्ट्रेंथ वॉर्स प्राइमरी मोटिवेटर ऑफ

चौहान सिद्धार्थ त्यागी एथलीट्स आ रहे हैं बहुत सारे लोग, सब लोग में आ ए, देन धीरे -धीरे कम्युनिटी बढ़नी शुरू हुई और अभी की डेट की बात करें तो इट है उसकी एंड नाउ पीपल आर सर्चिंग फॉर कैलिस्थेनिक्स ये हुआ लॉकडाउन के बाद अब जाके तो अब क्या है आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क पड़ा है सामने तो वो जर्नी वहां से लेकर करनी करानी फिर आइडियोलॉजी बनानी वो सारा मतलब एक जर्नी रही है hmm. तो इट नेवर ने प्लान मुझे ये सब ये करना है बट आई गॉट टू नो अबाउट इट फिर तो आई डिसाइडेड कि यार ये आइडियोलॉजी देनी है yeah. देनी है तो देनी है और उसके चलते फिर बैंकिंग छोड़ी hmm. प्योरली इसमें घुसा और रेपटेशन uh, बनाई बहुत सारी चीजें थी अकेडमी एक बनाई वो फेल हुई फिर दूसरी बनाई वो अच्छी चल रही है तो वो सारी जर्नी रही है तो बट ये है कि हाँ हेल्थ एंड फिटनेस मेन मोटिव यही रहा है कि लोगों को ये बता दें कि भाई हेल्थ एंड फिटनेस एग्जैक्टली क्या होती है रादर देन जो आप सोच के बैठे होगी क्या है बिल्कुल फैसिनेटिंग एंड थैंक यू कि आपने एक अच्छा पर्पज चुनाया जो दुनिया में इम्पैक्ट ला रहा है स्पेशली यू नो कोविड के बाद बहुत लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ में फ़र्क आया फिजिकली ऑल्सो पीपल वर लेट डाउन कुछ के बिजनेस इफेक्ट हुए कुछ के काम धंधे जॉब्स यू नो बहुत बहुत सारी चीज़ें थी बट आई थिंक इट्स अ फेंटेस्टिक इनिशिएटिव दर यू चोजन तो मेरे को हेमंत राहुल को समझाओ कि शुरू से शुरू करते हैं मैंटल uh, हेल्थ से शुरू करते हैं मेरे को लगता है क्योंकि पर्सनल केयर के अंदर ना मेंटल हेल्थ इज द फर्स्ट पिलर तो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हो क्या रेकमेंड करते हो अपने स्टूडेंट्स को जो आपके पास आते हैं और जो कम्युनिटी में आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ क्या मेंटल हेल्थ के डिस्कशंस हैं क्या आपके सजेशंस हैं

आपको नहीं पता आपकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही है hmm. तो मेंटल हेल्थ इज कनेक्टेड टू योर फिजिकल हेल्थ दैट इज कनेक्टेड टू योर इमोशनल हेल्थ ये तीन इंटर रिलेटेड है yeah. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ऑन पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी ऑन पॉइंट होगी लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ ऑन पॉइंट है तो आप फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ अच्छी तरह कंट्रोल में ला सकते हो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं है मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है मैंने जब बैंकिंग छोड़ी थी दैट वॉज अ बिग डिसीजन मैंने जब इसमें आया था इन्वेस्ट किया था और इतना सारा मैंने अपना बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं पर्सनल वो दैट वॉज अ बिग डिसीजन उस फेज से आज तक मतलब ऐसा कोई आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा जो एक बंदे की लाइफ में होता है ना कि इसने ये चीज नहीं देखी होगी mm -hmm. ऐसा कुछ नहीं है मतलब आई हैव लॉस्ट वंस आई हैव लॉस्ट पैसा आई बहुत मतलब आप कह लो कि मैं इतनी बार गिरा हूं, लेकिन हर बार जब भी गिरा हूं उठा हूं ड्यू टू माई मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको रखनी और वो उसके जो मेजर जो पॉइंट्स हैं जो लोगों को समझ नहीं आता कि मेंटल हेल्थ ऑन पॉइंट कैसे रखें तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू लव योर सेल्फ सो आप कभी भी ये मत सोचो कि आपकी डिपेंडेंसी खुशी की किसी और में है किसी चीज में रहेगी कभी नहीं रहेगी पहले आपकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर रहेगी अगर आप आज अकेले बैठे हो और आपको मैं बोलूंगी एक रूम में बैठ जाओ और कोई नहीं है उस रूम में नाइनटी नाइन परसेंट लोग बैठ नहीं सकते वो बैठ नहीं सकते <laughs> क्योंकि उनके दिमाग में थॉट्स चलेंगे yes. और माइंड क्या है कंट्रोल है नहीं एक थॉट से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये जुड़ते जुड़ते वो ऐसी एक इमेजिनेटिव प्रॉब्लम बनाएंगे जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करेगी करेक्ट वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो मेंटल हेल्थ में घुसी हुई है ना चीजें वो इसलिए घुसी हुई है बिकॉज उनका जो नजरिया है द दृष्टि दे हैव इन द वर्ल्ड वो कहीं ना कहीं चेंज होती है फॉर एग्जाम्पल आप रोज न्यूज देख रहे हो hmm. कि ब्लास्ट हो रहे वॉर चल रही है तो आपका दिमाग वही काम करेगा सबकॉन्शियसली यू दैट इन योर माइंड एंड वॉट यू फीड दैट यू यूल ग्रो दैट तो सबसे पहला पॉइंट मैंने ठीक ये कह रहा था अपने बारे में कि मुझे हर चीज में ये देखना है कि उस चीज को मैं बेस्ट कैसे बनाऊं रेदर देन कि उस चीज में खराब क्या है तो ये जो चीजें हैं ना अब जैसे आप यू आर वाचिंग गर्ल्स यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट यू आर वाचिंग मूवीज वो आपके दिमाग में फीड हो रहा है आपको पता भी नहीं है बिल्कुल। और वही वही सोचोगे आप तो मैंने क्या किया मैंने अपने आप को पूरा एक एक कवर दिया कि मैं अपनी जो टाइम है वो स्किल्स सीखने में लगाऊंगा सबसे पहले अब ऐसा नहीं कि मेरे को कैलिस्थेनिक्स में ही घुसाऊं जब मेरी मेंटल हेल्थ खराब थी है जब भी डाउन होती है कुछ भी है आपको सबसे पहले एक रूटीन बनाना है अपनी लाइफ में कि आप जब सुबह उठ रहे हो उसके बाद चौबीस घंटे में आप क्या करने वाले हो वो प्लान्ड होना चाहिए एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो तो उसके लिए आठ घंटे तो आपने सोना है बचे कितने सोलह घंटे सोलह घंटे में से अगर आप वर्किंग हो आठ घंटे वहां चले जाते हैं दस चले जाते हैं बारह चले जाते तो गिनते चुनते ना आपके पास चार से पांच घंटे बचने चाहिए और अगर आप खाली आदमी हो आपको कुछ काम नहीं है तो जो बाकी आठ घंटे है ना वो आपको किसी स्किल सीखने में लगाने चाहिए या तो जब आप उसमें लगाओगे तो आपका दिमाग वहीं चलेगा तो यू आर डाइवर्टिंग इट ठीक है और जो बाकी चार पांच घंटे बचते हैं आई वुड प्रेफर यू शुड गिव इट टू योर फैमिली

अलग चीजों से जुड़ी होती है ना तो वो बोलते हैं problem, growing, yeah. आप yeah. गोल्स है, आपको अचीव करने अब वो बंदा आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा hmm. वो कह रहे आप यार मेरे साथ पार्टी में चल रात को आप कह रहे हो मुझे यार रात को काम करना है सोना है ना अब ये चीज कॉलेज अब मैं जैसे कॉलेज में था तो मेरे जो रूममेट्स थे वो रोज पार्टी कर रहे हैं शराब पी रहे हैं मैं पीता नहीं, नहीं। मुझे ना पीनी लेकिन मैं उनके साथ रह सकता हूँ क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग हूं मेंटली तो मैं उनके साथ बैठ सकता हूं और मैं टच भी नहीं करूंगा या मैं नहीं करू मुझे नहीं। जो करना है मैं वो करूंगा और चले जाऊं अब विद टाइम उनको रियलाइज हो गया यार ये तो कुछ करता ही नहीं है तो उसके साथ रहना क्या कट जाएंगे करेक्ट तो उनकी प्रॉब्लम है दैट इज टोटली फाइन फेयर पॉइंट पहली चीज यह है कि रूटीन सेट कर लो आपको दिन में रूटीन सेट करना और वो रूटीन रिवॉल्व होना चाहिए स्किल लर्निंग में आपको कुछ काम पैसा दे रहा है तो उसको वो करने में क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें और थर्ड आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गए और फोर्थ जब आपके पास टाइम बचता है तो वो अपना आप खाने पीने में अपनी रिकवरी में अपनी हेल्थ को दो या। सही करने में तो वो जो टाइम है ना आपको वो जब आप ये रूटीन में आओगे तो आप

और बैलेंस करना बहुत जरूरी है लाइफ hmm. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली को टाइम देना है ये नहीं कि आप इसी में घुस गए yeah. तो वो चीज है तो रूटीन आपने पहले सेट कर लिया और रूटीन पे जो काम करना है जो सेकंड जो पॉइंट है वो है कि अपने आसपास आस की जो चीजें उसको ठीक करो देखने के लिए अगर आप वो टाइम एक पौन देखने में लगा रहे है कोई टीनेजर yeah.

जब आप किसी से इन्वॉल्व होते हो किसी के साथ आप चाहे फ्रेंड हो फैमिली हो और अगर आपने अपनी इमोशनल साइड वहां बाहर रख दी उठा के तो देन यू आर वेलरेबल देन दैट पर्सन है पावर टू हर्ट यू तो इमोशंस आपके कंट्रोल में है सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको सिचुएशंस कंट्रोल नहीं करनी है आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं आप अगर आज मेरे से मिल रहे हो और मैं लेट आया पे फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आया आपके कंट्रोल में गुस्सा है आपके कंट्रोल में मेरा लेट आना नहीं है तो उसको कंट्रोल मत करो अगली बार कोई आएगा तो ये मत कंट्रोल करो कि बंदा लेट आएगा तो मैं वो कंट्रोल करने बैठ मेरा गुस्सा मेरे हाथ में है आप काम रहोगे तो वो इंटरव्यू वैसे भी जो भी जाएगा पॉटगा तो अच्छा ही जाएगा hmm. तो सिमिलरली जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो आपके कोई भी फ्रेंड्स फैमिली है या आपके कोई रिलेशन है आपकी वाइफ है आपकी गर्लफ्रेंड है कोई भी है या आप किसी से मिल रहे हो आप कभी भी इमोशनली अपने आप को फुल्ली अवेलेबल मत करो इमीजिएटली यू हैव टू टेक टाइम और विद टाइम पहले से पहले यू हैव टू डिसाइड अपने दिमाग में कि यार अगर ये नहीं चला या ये रिलेशन नहीं हुआ

पंद्रह मिनट या बीस मिनट के एस्पेक्ट में करो कोई पावर के लिए करो गॉड के लिए करो दैट इज अप टू यू बट यू हैव टू पुट दैट क्योंकि आपको रियालाइज हो जाएगा ये टाइम hmm. तो ये दूसरी चीज है बैलेंस एंड देन थर्ड पार्ट इज दैट स्टॉप एक्सपेक्टिंग स्टार्ट गिविंग आप अगर किसी से कुछ भी मिल रहे हो बात कर रहे हो या कोई रिलेशन है कुछ भी है या काम है आप एक्सपेक्टिंग मत करो कि वहां से कुछ मिलना है आप अपना हाथ यूं रखो सिंपल ये समझ लोगे तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो अपने दिमाग में आ. आपने अपना अपना बेस्ट बेस्ट देना है है ये ये हाथ है। भाई मैं अपना दूंगा हाँ, लेकिन ये देने में अगर आपको बिट्रेल मिल रहा है देन यू हैव टू टेक दैट लर्निंग मैंने अपना बेस्ट कर दिया अब नहीं मिला उसने मेरा नुकसान किया उसकी प्रॉब्लम यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आगे दोबारा रिपीट ना हो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक और उसके बाद जो पॉइंट है वो है कि व्हाट आई ऑलवेज से डोंट वर्क टू गेट समथिंग ठीक है वर्क ऑन मेकिंग व्हाट यू हैव बिगर मतलब जो आपके पास है उसको बड़ा बनाओ रादर देन जो आपके पास नहीं है उसके पीछे भागो डिजायर्स को कंट्रोल करो भाई आज बहुत 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 सही बात बोली आपने मतलब आपके पास आज आज, आज, आज आज आपके पास i20 है कल आपका गोल है मेरे पास audi चाहिए फिर आपका गोल है मेरे को

अपने फैमिली से बहुत लोग होते हैं वो अपने शायद पापा से मम्मी से बात भी नहीं करते होंगे अपने काम में बिजी रहते होंगे आपके पास पापा मम्मी, है। हाँ। तो है, पापा, मम्मी हैं हैं बहुत लोग इनके नहीं, है या, या, true. हैं, किसी नहीं हैं नहीं नहीं किसी है, पैर नहीं है मतलब बहुत चीजें हैं जो उनके पास नहीं है आपके पास हैं उनको संभाल लोगे वो भी बहुत बड़ी बात है बिल्कुल और पैसा वैसा आ जाएगा अपने काम करोगे आ जाएगा तो उसको ग्रो करो वॉट यू हैव बिल्ड दैट

फिजिकल मैं ये नहीं कह रहा आप कैलिस्थेनिक्स करो जिम करो मतलब यू कैन डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल फिटनेस हैज टू बी देयर फिजिकल एक्टिविटी करो एंड यू डेफिनेटली गेट दैट हेल्प मेंटल हेल्थ में mm -hmm. ये सारी पांच छह चीजें अगर आप डाल लोगे इतना ही कोई डाल एक रीकैप एक रीकैप कर दो बिकॉज़ आई थिंक वी हैव डिसकस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स तो मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहली चीज आपने बताई सबसे पहली थी मतलब मैं डिसऑर्डर में बता रहा हूं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका रूटीन क्या होना चाहिए रूटीन रूटीन है आपका रूटीन मैप होना चाहिए कि आपका दिन है तो आपको उसमें क्या करना है वो आप रात को बैठ के करके सोच सो परफेक्ट ठीक है सेकंड आप स्पेंड योर टाइम इन ग्रोइंग व्हाट यू हैव रादर देन की व्हाट यू वांट परफेक्ट बेसिकली ठीक है देन फिजिकल अपनी फिटनेस पे एक्सरसाइज पे और इस yeah. पे काम करो एंड देन इमोशनल और मेंटल yeah. हेल्थ को बैलेंस करना सीखो कंट्रोल योर इमोशंस डोंट यू नो गो इनटू दैट एस्पेक्ट ऑफ जस्ट एकदम से

राइट तो आई थिंक मेरा पहला क्वेश्चन जो है आप है आपसे वो कि न्यूट्रिशन के ऊपर डिस्कस करते हैं आप है ना तो आपने कैसे समझा कि न्यूट्रिशन क्या खाना है और ज्यादातर क्या होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बिकम अ थिंग बट भाई हम भी तो जी रहे हैं हमें भी तो बॉडी को परफॉर्म करना है हम काम कर रहे हैं उसमें भी हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है ताकि हमारी बॉडी बेस्ट परफॉर्म करे तो एक आइडियलिस्टिक न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए बंदे को उसकी मील प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और लेट्स ऑन सो आई टेक इट इन टू सीनारियो दो सीनारियों में बात करते हैं एक है बंदा जो एथलीट है जिसका होल सोल गोल ही कोई स्पोर्ट खेलना है और वो यंग है और स्पोर्ट खेल रहा है और दूसरा एक बंदा जो आ, या एनी मैन और लाइफ स्टाइल उसको सिर्फ फिटनेस चाहिए अच्छा दिखना है अच्छी फिट लेवल चाहिए ठीक है हुँ. दोनों में न्यूट्रिशन का बहुत फर्क आएगा दोनों में न्यूट्रिशन गोल ओरिएंटेड तो है हुँ. लेकिन जो एक बेसिक फंडामेंटल है पहले उसको कवर कर लेते हैं न्यूट्रिशन रॉकेट साइंस नहीं है जब तक आप उसको समझ लो ठीक <laughs> है <laughs> लोगों को समझ नहीं आती है एंड दे ट्राई टू नॉट इवन रिसर्च या तो पहली चीज न्यूट्रिशन में जो आप आपके फाइव मेजर फंडामेंटल्स जो आपके मैक्रोज और माइक्रोज में डिवाइडेड है तो जो भी आप खाते हो ना उसकी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं आज गोलगप्पे खा रहा हूँ और मैं कल पिज्जा खा रहा हूँ और मैं मेरी बॉडी भी बन जाएगी मेरे को फिटनेस भी मिल जाएगी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है वो आपको देखना पड़ेगा करेक्ट तो पहली आदत आपको ये बनानी है कि समझो कि ये खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और ये न्यूट्रिशन वैल्यू डिफाइन होती है मैक्रोव और माइक्रोव से मैक्रोव आपके तीन हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट यही होगा उसमें जी और माइक्रोन्यूट्रीज वाइटामिन या ये पांच चीज़ें आपको देखनी है कि उस खाने में है या नहीं है ठीक है अब ये पांच चीजें करती क्या है कार्ब्स आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी बिल्कुल यही हाँ, बिल्कुल आपको एनर्जी चाहिए कुछ परफॉर्म करने के लिए काब्स लेने पड़ेंगे आपको रिपेयरिंग करनी है मसल की बिल्ड करनी है मसल अच्छी रिकवरी चाहिए प्रोटीन चाहिए लाइफ में फैट्स ये दो चीजों को सपोर्ट करेगा आपकी बॉडी में नहीं लोगे फैट्स तो आपका सिस्टम मिल जाएगा अंदर से वाइटामिन मिनरल्स आपके बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ योर ऑर्गन एंड एवरीथिंग में काम आते हैं स्किन हेयर बहुत कुछ चीजें वो काम आएंगी तो ये इनके हो गए बेसिकली इनका पर्पस अब खाना कितना है क्या कर रहे हैं तो अब आप जब भी खा रहे हो तो आपको ये देखना है इसमें ये चीज है क्या और गिनती की ही जो अगर आप इंडियन इंडस्ट्री की बात करो इंडियन पॉपुलेशन की बात करो तो जो खाना मिलता है हमारे घर में गिने चुने आइटम ही है इन सब चीजों को एक बार वो मैप कर लोगे ना आप दिमाग में आपको पता होगा बिल्कुल ठीक है काफ के सोर्सेज नॉर्मली रोटी चावल स्वीट पोटेटो ग्रेन ग्रेन्यूल ये सारे हो गए ये आप बेसिक सर्च भी करोगे आपको मिल जाएंगे। yeah. प्रोटीन के मेजर वेजिटेरियन में पनीर, टोफू ठीक है और वे प्रोटीन जो सप्लीमेंट है तो बाद में चाहिए सोयाबीन्स हाँ। तो सोया, सोया राजमा छोले और चिकन अगर नॉन वेज में चिकन अंडे सिंपल hmm. फैट्स में आपका हेल्दी ऑयल ले लो ड्राई फ्रूट्स ड्राई नट्स सिंपल एंड वेजीज बस इतना या। ही खाना है <laughs> अब ये बेसिक मैथ इसी के अंदर घूम रहे है Bas, तो ये आपको खाना है अपने हिसाब से क्योंकि आपको अगर फैट लॉस या वेट लॉस करना है कुछ भी गोल है आपका अब हम नॉर्मल बंदे की बात करते हैं एक बंदे को फिट रहना है ठीक है उसको फैट लॉस वेट लॉस की बात नहीं कर करना क्योंकि फैट लॉस वेट लॉस चलता है क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन से कैलोरीज इन कैलोरी इन खानों में कैलरीज होती है ठीक है अगर फैट लॉस वेट लॉस में आप घुसोगे तो आपको क्वांटिटी मैप करनी ही पड़ेगी बिल्कुल लेकिन अगर आपको हेल्थ अच्छी करनी है तो ईटिंग फॉर इज डिफरेंट फ्रॉम ईटिंग टू ट्रांसफॉर्म एंड इट डिफरेंट फ्रॉम ईटिंग फॉर परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस हो गया आपका एथलीट वाला एस्पेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका एक जिम वाला एस्पेक्ट और ईटिंग टू हेल्दी हो गया आपका एक नॉर्मल लाइफ वाला एस्पेक्ट ठीक है तो ईटिंग फॉर हेल्दी में अब एक बेसिक चीज की बात करूंगी एक बंदे को इन सब चीजों को कैसे खाना है तो आपका एक बॉडी वेट होता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एट्टी के जी बॉडी वेट है एज अ मैन और एज अ वन ठीक है एट्टी केजीज अगर बॉडी वेट है और आप मैन हो ट्राई टू ईट एट लीस्ट एट्टी टू हंड्रेड ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे करेक्ट ठीक है अगर वुमन हो तो पॉइंट एट्टी परसेंट ऑफ देटी आप हाँ, खाओ हाँ. तो ये आपकी पहली प्रायरिटी होगी दूसरी जो आपका वेट है या जो आप आ, पर बॉडी वेट आपका फॉर है उसी को एक्ल मल्टीप्लाई फाइव कर लो फाइव टू या सेवन कर लो उतना ऑफ कार्ब्स खाना है ठीक है ये मैं आपको एक बहुत बेसिक फिगर दे रहा अगर ये भी इम्प्लीमेंट कोई कर लेगा ना इस लाइफ में तो उसकी आधी जिंदगी सुख में जाएगी बिल्कुल वो हेल्दी हो जाएगा सही बात ठीक है तो फाइव टू सेवन ग्राम्स पर बॉडी वेट उतने काब्स लेने हैं जी ठीक है अब फैट्स बचा उसको आप कर लो प्रोटीन का आधा बेसिकली क्योंकि ग्राम कैलोरीज होती है एक ग्राम में तो उसका आधा कर लो आप ठीक है ये आपको इतना ही समझना है इसके अलावा जो आप दिन में आपने खाना है एक या दो फ्रूट एक ग्रीन वेजिटेबल पानी पूरा पीना है पानी ने की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए तीन से चार दो, लीटर। दो तीन लीटर भी, भी बहुत है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके बाद जो आपका फिर भी अगर आपको भूख लगती है तो आपको क्या करना है आपको हेल्दी स्नैकिंग करनी है इन्ही में ही इन्हीं में आप इसी को मैप कर लोगे ना तो आप ये आपके हेल्थ का एक बेसिक फ्रेमवर्क है हेल्दी रहने का या, या। बस इसके साथ आपने जोड़ना है एक्सरसाइज ठीक है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो या वो जोड़ो या कोई स्पोर्ट खेल लो नींद अच्छी लो स्ट्रेस कम रखो आप सॉर्टेड हो कितना अच्छा लगता है ना सुनने में ऐसा अगर हो जाए तो आइडिया लोग कर नहीं पाते अभी क्यों नहीं कर पाते मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर पाते मैंने आपको बोल दिया अस्सी ग्राम प्रोटीन लेना है आपने कहा कल से मैं अस्सी ग्राम प्रोटीन ले लूंगा <laughs> लूंगा कैसे एक बार मिलूं तीन बार मिलूं कैसे लू? तो पहले किसी भी कोई भी पर्सन है पहले आप ये डिसाइड कर लो कि भाई आप दिन में मील कितने खा सकते हो आप खाते ही एक मील हो और आप सोच रहे मैं अस्सी ग्राम प्रोटीन ले लूंगा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों की सोच ये रहती है ना हेमंत की अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो मील्स हटा दो अपनी दे विल नेवर थिंक अबाउट इट दिस वे की क्या खाना है 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 ना वो एक खैर ये सब समझना बहुत मुश्किल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ समझो वेट लॉस नहीं करना है पहले हेल्थ अच्छी करनी है तो आप बस समझो मुझे हेल्थ अच्छी करनी है तो मुझे इतना खाना है yeah. तो वो कंसिस्टेंसी बनानी जरूरी है गोल ये नहीं है अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट को देते हो पचास पचास हजार रूपए एक डाइट बनाने के मंडे को खा लो ट्यूसडे को खा लो वेडनेसडे को खा लो खाते आप फिर भी नहीं हो आ, लेकिन आपको एक अंदर सेटिसफेक्शन होती है मेरे पास ना खाना मुझे पता है मुझे ये खाना है तो इससे मेरा ये होगा आप खुद उस चीज को कंसिस्टेंसी में लाओ ना आप खुद समझ के खा लो तो हफ्ते में आपको समझ आ जाएगा सिंपल बिल्कुल तो इसी को बस आपको मील्स में डिवाइड करना है भाई अगर आप आपको 80 ग्राम प्रोटीन खाना है और 400 ग्राम कार्ब्स खाना है और 100 ग्राम फॉर एग्जांपल फैट्स खाना है या जो भी है इनको आप तीन में डिवाइड कर दो तीन मील्स में और तीन मील्स में ही खा लो रोज की रोज अब एक प्लेट की बात करूं मैं अगर आपने रोटी डाली काब्स हो गए आपने पनीर की सब्जी डाली प्रोटीन हो गया आपने ग्रीन वेजिटेबल डाली फैट्स वाइटामिन फैट्स हो गए और साथ में आपने और भी कुछ सैलेड ले लिया सैलेड ले लिया फाइबर हो गया हो फॉर फाइबर गया ठीक है ये आपका बैलेंस मील बन गया ना ये आपको तीन बार खाना है अब सब्जी की जगह छोले खाओ राजमा खाओ प्रोटीन खाओ क्योंकि पनीर है रोटी की जगह चावल खाओ ओट्स सुबह खा लो काब्ज है और आ, फैट्स और उसमें आप फ्रूट्स और वो चेंज करते रहो ऑयल चेंज करो ड्राई ऐड कर लो मखाने खा लो खिलाने बहुत सारी चीज बहुत सारी चीजें थी, तीन मील आप इतना ही कर लोगे आपके लिए वही बहुत है या। आप क्यों सोच रहे हो तो आप... हेमंत सिंपल जैसे मील प्लानिंग की बात करते हैं है ना जैसे मैंने क्या किया अपनी लाइफ में मील प्लानिंग के लिए मैंने अपनी मील्स को सिंपलीफाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ काब्स के लिए अपना ओट्स खा लिए उसमें एक चम्मच पीनट बटर डाल दिया और साथ में एक बनाना खा लिया दिस इज माई स्टैंडर्ड ब्रेकफेस्ट और ज़्यादा होता था मतलब तो मैंने उसमें छः अंडे ऐड कर दिए बॉइल्ड एग्स वाइट्स है ना तो ये हो गया लंच में दो रोटी हो गई या चावल आइधर और साथ में पनीर आ गया और साथ में एक दाल हो गई एंड कर्ड एंड सैलड दिस इज माई लंचर में आई यू टू हैव सैलेड सिक्स बॉइल्ड एग्स एंड मे बी अगर कुछ खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो आई वुड है तो ये मेरा तीन मील्स में ब्रेकडाउन कर लिया बीच में ब्लैक कॉफी ग्रीन टी तो इसमें मेरे को वेट लॉस में बहुत हेल्प हुई एंड बिकॉज आई न्यू वट आई हैड टू हीट तो वो क्वेश्चन जो बार बार ना कि क्या खाना है आज वो खत्म हो गया था तो मेरे को ये बहुत हेल्प हुई आप कैसे करते हो सजेस्ट की मील प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको आप दिन में मील्स कितनी ले सकते हो mm -hmm. रखो अपनी और उन तीन को बैलेंस कर लो जैसे mm -hmm. आपको पता है कि आपने 80 प्रोटीन लेना है तो तीन से आप कर लो तो 25 25 30 ऐसे कर लो mm -hmm. ठीक है और इसी को कावज में भी ऐसे डिवाइड कर लो फैट्स yeah. तो ऐसे आपका बैलेंस मील बन गया yeah. ये तो आपको लेना ही है इसके बीच में अगर आपको भूख लग रही है तो फोकस ऑन प्रोटीन क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिय है जो आपको आपको थर्मिक इफेक्ट देगा कैलरी बर्निंग में ठीक है दैट इज अन सोर्स ऑफ रिकवरी रिपेयर और फैट लॉस भी yeah. तो आपको वो एड करना पड़ेगा तो उसको प्रायोरिटी रखो mm. ठीक है काब्स अगर आप लोगे तो अगर आप फिर भी कैलरी डेफिशिट में होएगा आपकी कैलरी रिस्ट्रिक्टेड है आपका फैट नहीं बढ़ेगा लेकिन mm. काब् से क्या होगा जो प्रोटीन से आपको बेनिफिट मिलना था ना वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि काब्स आपका ग्लाइकोजन और वाटर रिटेंशन में ज्यादा एनर्जी सोर्स में ज्यादा देगा क्योंकि वो डायरेक्टली जब जाएगा ब्लड स्ट्रीम में तो धीरे धीरे आपको एनर्जी मिलेगी या फिर आप सिंपल काब्ज आपने खा लिए जैसे कि अब इसमें चीजें आपको जो नहीं खानी है फ्राइड नहीं खाना है सिंपल शुगर्स नहीं खानी है जंक uh, फूड नहीं खाना है ये सारा ये सब यूजलेस है तो ये अगर आपने नॉर्मल खाने में भी खा लिया ना बीच में तो वो आपका एब्रप्ट हो जाएगी चीज़ तो वो नहीं करना है इसी को तीन में डिवाइड कर लो और आप सॉर्टेड हो फिर इसके साथ जब आपने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार अब मैं एक रूटीन में आ गया हूँ yeah. अब हम उसको मैप करेंगे धीरे धीरे क्वांटिफाई करेंगे प्रोटीन बढ़ाएंगे काब्स कम करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अब आप इतना बोल ऑफ काब्स खा रहे थे जी अब आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो सिंपल फंडा ही है तो ये हो गया नॉर्मल एक बंदे के लिए परफेक्ट यही एक बंदा एक एथलीट है mm. जो कि स्पोर्ट्स खेलता है डिपेंडिंग ऑन द स्पोर्ट ही प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना है कि उसको न्यूट्रिशन कैसे लेना है उसमें साइकिलिंग होती है काव साइकिलिंग भी होगी प्रोटीन साइकिलिंग भी होगी ऑफ सीजन ऑन सीजन लेना होगा जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं जब मैं एक एथलीट था तो मैं चार घंटे ट्रेनिंग करता था तो मेरा प्री मील ट्रेनिंग से पहले काव प्रोटीन बहुत हैवी होता था डेढ़ दो घंटा पहले जो कि यूटिलाइज होता था पूरी ट्रेनिंग में और उसका पोस्ट मील भी बहुत हैवी होता था ये दो मील मेरे बहुत हैवी थे इसके अलावा मैं क्योंकि मैं एक्टोमॉर्फिक मेरा मसल मास या मैं मेरी जो बॉडी है वो जल्दी श्रिंक होती है इसके अलावा मैं काब सोर्स मेरे लोडिंग रहती थी ये एक नॉर्मल बंदा जो जिसकी रिटेंशन ज्यादा है फैट की उसको ये सूट नहीं करेगा मुझे ही सूट करेगा तो एज एन एथलीट बहुत अलग मेरा एक रूटीन चलेगा अलग पूरा न्यूट्रिशन चलेगा तो आप कभी भी ना ये मत करो यार वो जिम में आ रहा है उसकी बॉडी अच्छी है ये क्या खाता है मैं ये खाऊंगा इसको बंद करो पहले तो आप पहले अपनी हेल्थ इस एस्पेक्ट में ठीक करो अपने रूटीन में उसी में ही चेंजेस करने हैं आपको परफेक्ट तो ये छोड़ दो कि उसकी बॉडी अच्छी है अच्छा है है उसका लेवल अच्छा तो वो वो जो खाता है ना वो मुझे खाना है जो नॉर्मली नौ लोग करते हैं पूछते हैं यार क्या खाते हो <laughs> मैं जब इंस्टाग्राम पे पहले अपनी वीडियो डालता था बॉडी की है उसकी तो मुझे मैसेज आते थे अरे सर आप क्या खाते हो अपनी डाइट भेज दो <laughs> आप क्या अभी क्या खाते हो ये भेज दो इससे खाने से ये हो जाएगा इससे तो हमेशा यही समझाता आपको नहीं चाहिए एक बेसिक फ्रेमवर्क ये रहेगा आपकी बॉडी का पहले वेट एंड पूरा एक बीएमआई देखा जाएगा कैलोरी इंटेक मैप करनी पड़ेगी उसके हिसाब से कैलोरी डिवाइड होती है करेक्ट तो वो जाएगा लेकिन अगर आपको वो भी नहीं करना तो जो मैंने अभी बताया आप सिंपल मील्स को बॉडी वेट से कर लो आपको उसमें भी आप सॉर्टेड ही रहने वाले परफेक्ट तो आप कुछ सवाल हैं जो यू नो आई थिंक हेल्प करेंगे और इसको थोड़ा डिटेल में जानने के लिए जिससे वेज नॉन वेज एक कॉन्वर्सेशन रहती है कि भाई वेजिटेरियन बंदे की प्रोटीन इंटेक हमेशा कम रहता है आप वेजिटेरियन हो आपका प्रोटीन बढ़िया चल रहा है मैं एगिटेरियन हूँ मेरा भी प्रोटीन मतलब ठीक ठाक निकाल लेता हूँ मैं तो ये बताओ कि अगर ये परसेप्शन जो है लोगों का कि वेजिटेरियन मील्स के अंदर प्रोटीन कम होता है इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो पहले हाथ तो मैं बता देता हूँ कि प्रोटीन का काम प्रोटीन करेगा तो आप उसको कंफ्यूज मत करो कि वो वेज से आ रहा है या नॉन वेज से आ रहा है ठीक है वो तो फंडा ही खत्म हो गया लीन प्रोटीन की बात की जाती है बायो अवेलेबिलिटी मतलब अगर आप चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन ही सबसे ज्यादा होगा अदर देन अदर माइक्रोट्यूटरियन तो वो आपका एक मेजर सोर्स हो गया या। लेकिन अब आप पनीर खा रहे हो उसमें प्रोटीन तो होगा लेकिन फैट भी होगा तो आपने दोनों चीज ले ली प्रोटीन इतना नहीं होगा जितना चिकन ब्रेस्ट में होगा डिफरेंस सिर्फ यही है प्रोटीन का काम दोनों ही करेंगे बॉडी नहीं देखती वो प्रोटीन चाहिए बॉडी को मिल गया अब प्रोटीन आप एक बर्गर पैटी से भी लोगे ना तो मिलेगा लेकिन उससे क्या होगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक खराब हो सकता है कुछ भी हो सकती है चीजें हो सकता है अब रही बात वेज और नॉन वेज की तो कुछ भी नहीं है कि इसमें कि आपको प्रोटीन आप ले रहे हो तो नॉन वेज बनना पड़ेगा बॉडी नहीं बनेगी ऐसा कुछ नहीं है विद्युत जमाल को देख लो आप ठीक है उन्हीं की बात मैं आपको बताता हूँ उन्होंने बोला था आपने डियर को देखा है आपने हाथी को देखा है सब वेजिटेरियन हाँ, बिल्कुल है, है। वो फुर्तीला <laughs> है कोई लॉजिक नहीं है लेकिन प्रोटीन प्रोटीन का काम करेगा आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप वो प्रोटीन ले रहे हो या नहीं अब क्योंकि वेज में अगर हम बात करें तो प्रोटीन है ही पनीर टोफू टेम्पे सोया तो आपको अपनी मील्स में डालना पड़ेगा अगर आप यही नहीं डाल रहे हो तो प्रोटीन नहीं ले रहे हो करेक्ट ठीक है देन दूसरा जो मेजर सोर्स वेजिटेरियन में मैं बोलता हूँ लोगों को प्रोटीन प्रोटीन लेने लेने के लिए क्योंकि वो सेफेस्ट वे है ठीक है तो आप लो उसको आप उससे डरो मत लेकिन अब लोग क्या करते हैं एडल्ट्रेटेड वे ले लेते हैं डुप्लीकेट ले, ले लेते हैं और फिर उनको गालियां देते हैं वो लॉजिकल नहीं है आप पहले ढंग से प्रोडक्ट लो उसको यूज करो समझो फिर आपका सब है

जो आधा आधा डब्बा खाते हैं शॉकिंग ठीक है तो रोज का वाह wow. तो उनका गोल वही है और उनका बॉडी वैसे बन चुकी है आ, एक बंदा जो हेल्दी है उसको है उसको नॉर्मल जीना आप ट्राई करो कि टी टी फाइव ग्राम से ज्यादा मत मतलब एक स्कूपने। एक, स्कूपने। एक, बार आ, आ. उसको चाहे आप डिवाइड कर लो ठीक है और पहले ना अडेप्टेबिलिटी बनानी पड़ती है आप सोचो कि मैं अभी तो खाना खा रहा हूँ एकदम से मैंने प्रोटीन डाल दिया नहीं आप पहले

तो बस धीरे धीरे उसको फिर हम क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं सिंपल परफेक्ट दूसरा अब हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक क्रिएटिन इज आल्सो नॉट सप्लीमेंट दैट लॉर्ड ऑफ बॉडी बिल्डर्स लॉर्ड ऑफ एथलीट्स यूज तो कई लोगों के दिमाग के अंदर ना एक ये वो मिथ्स है कि ये पाउडर खाता है या फिर ये डब्बे खाता है यू नो विच इज सो सैड क्योंकि लोग समझते तो है नहीं कि है क्या माई पेरेंट्स ये डब्बे खाने शुरू कर दिए तूने बट उनको समझ नहीं आती क्योंकि कभी भी वही साइंस में घुसे नहीं कि न्यूट्रिशन की क्या है वो तो देसी डाइट चलती आ रही है उनको वही समझ में आता है दूध घी पनीर दही उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए वो बढ़ेंगे ऑलरेडी फिफ्टी फाइव सिक्सटी पर आ चुके हैं उनको जरूरत नहीं है राइट right? मैं उनकी मील के अंदर इनफैक्ट आई इंट्रोड्यूस टू की भाई आप दो अंडे सुबह खाओ आप शाम को प्रोटीन के अंदर एग डालो आप शाम को कुछ नहीं खा रहे हो तो आप दही खा लो तो थिंग्स लाइक दीज आई विल बट अब ये कॉमन मिथ है लोगों के दिमाग में क्रिएटिन की बात करते हैं स्पेसिफिकली कि क्रिएटिन खाना इज नॉट सेफ वाइल आई रियलाइज मैं भी पहले अगेंस्ट था बट वेन आई डिड मोर रिसर्च इन डेप्थ कि क्रिएटिन तो बहुत जरूरी है यार वो आपकी पानी को होल्ड करता है ना मसल uh, के अंदर hmm. या टिश्यूज जो होते हैं वहां पानी को होल्ड करता है विच हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स एंड दैट्स वाई यू आर इफेक्टिव वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ इंक्रीजेज ओवर टाइम करेक्ट मैं सही बोल रहा हूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ये मिथ बस्ट करो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि इसके खाने से ये हो जाता है उसके खाने से हो जाता है उनसे आप ये पूछ लो आप जब ज्यादा खाना खाओगे तो क्या आपकी बॉडी सही रहेगी <laughs> आपने दाल खा ली तीन बोल एक, एक साथ आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी तो ये तो फंडा ही गलत है कि इसको खाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा ठीक है दूसरा जो आप खा रहे हो उसमें वो आप क्यों खा रहे हो आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें ना तो सप्लीमेंटेशन आपका फाइव परसेंट है ग्रोथ का, आपकी बॉडी में मेन वो खाना ही है जब बंदा खाने से वो चीज नहीं ले सकता है तो हम सप्लीमेंटेशन पे चाहते हैं जी प्रोटीन हो या क्रीटीन हो क्रीटीन क्या करता है क्रीटीन आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स को रिफ्रेश करता है हमारी मसल सेल्स में होते हैं तो आपको क्या होता है वाटर रिटेंशन तो होती है लेकिन वो एटीपी मॉलिक्यूल जब रिफ्रेश होते हैं तो आपको एक स्ट्रेंथ बूस्ट मिलता है अगर आपको स्ट्रेंथ बूस्ट मिलेगा तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड अच्छा वेट अच्छी वॉल्यूम मार पाओगे विद टाइम तो आपकी मसल टिश्यू डैमेज होंगे मसल बिल्ड अच्छा होगा स्ट्रेंथ बनेगी ये क्रिटीन का मेजर फंड है क्रिटीन आपकी बॉडी में भी होता है प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी बट वेजिटेरियंस के लिए कम होता है ना ये काफी हाँ अब क्योंकि वेजिटेरियन हो तो आपको कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज खानी पड़ेगी तो क्रिटीन आप ले पाओगे इसलिए हम सप्लीमेंट कर देते हैं ये है रीज़न सप्लीमेंटेशन का अब मैं बोलूं आपको क्रिएटिन खा लो तीन चम्मच नुकसान ही करेगा ना ठीक है दाल तीन बोल खा लोगे क्रिएटिन भी तीन चम्मच नुकसान नहीं लेकिन अगर आप तीन ग्राम खा रहे हो जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि हम जब सप्लीमेंटेशंस पे चलते हैं तो हम

वो आप मेरी मर्जी है या मैं अपने आप आप फील करूंगा उस तो बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है से ग्राम रोज खा सकते हो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो जब आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो तो फिर नॉर्मल भी आपकी बॉडी में आ रहा है तो कोई लॉजिकल लौ, एक्सप्रीमेंट करने करेक्ट. तो बस सिंपल फंडा ये है और उसका जो काम है क्रिटीन का वो वही है जो आपने बताया और वो लोगों को भी पता है और वो दिखता भी है प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि यार ये लेना है इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा नुकसान होगा वर्कआउट नहीं करोगे नुकसान होगा पानी नहीं पियोगे नुकसान होगा ये तो होगा ही खाने अब जब आप आप खाना खा रहे हो रोज खाना तो आप खा रहे हो लेकिन आप सोए जा रहे हो हाँ। तो वो खाना भी नुकसान नहीं करेगा ना बिल्कुल तो फंडा सिर्फ इतना ही है तो ऐसा नहीं है हाँ और डुप्लीकेसी अब आपने ले लिया गलत डुप्लीकेट कहीं से लिया एडल्ट्रेटेड लिया तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है बट उसका मतलब यही नहीं कि क्रिटीन खराब है तो रिसर्च पे जाते हैं हम हमेशा एविडेंस बेस्ड रिसर्च पे जाते हैं अगर वो प्रूवन है तो वो सप्लीमेंट सेफ है लेकिन इसमें एक चीज और है कि जेनेटिकली सूट कभी कभी नहीं करता है कुछ सप्लीमेंट्स कुछ लोगों को एंड दैट दैट कैन क्रिएट एलर्जीज होती हैं जैसे पीनट बटर है उसे डेथ भी हो जाती है एलर्जी वो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली देर रोज अ केस जिसमें एक 16 साल के बच्चे ने कुछ प्रोटीन ले लिया था उसकी डेथ हो गई थी बाद में पता चला था कि उसको जेनेटिकली कुछ एक रेयर डिजीज था जो उस प्रोटीन के साथ जब उसने लिया तो वो मैपिंग नहीं हो पाई बॉडी में oh. पर लोगों ने क्या प्रोटीन को गाली देनी शुरू कर दी ah. तो वो गलत है so you, तो सब लोग सबके रिव्यूज डालते रहते हैं तो आई यू गो फॉर कंपनी जिनकी खुद का मैन्युफेक्चरिंग प्लांट हो ठीक है hmm. जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की बात करें तो जी uh, है मसल टेक है uh, केविंडलो है तो बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं जो बाहर के ब्रांड्स हैं खुद का प्लांट है इम्पोर्ट करते हैं लेकिन इम्पोर्ट में भी ना बहुत सारे डुप्लीकेसी आ जाती है बीच में तो वो भी आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ से मंगा रहे हो तो वो सोर्स आपका ना मैप आप होना चाहिए तो नॉर्मली अब तो काफी अवेयरनेस आ गई है तो बहुत इन्फ्लुएंसेस दे रहे हैं और आपको इजीली मिल जाएगा ऐसे अब वो टाइम नहीं रहा जो मैं जब 2007 में मैंने जब अपना पहला प्रोटीन खरीदा था तो मैंने तो लोकल शॉप पे जाके बोला था और हमें ये था दिमाग में बॉडी बनाने का डब्बा दे दो <laughs> हम तो भैया <भे> <laughs> छोटे बच्चों को और जो थोड़े से जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको नहीं समझ आता है तो उनको क्या लगता है कि बॉडी तो तभी बनेगी जब मैं डब्बा खाऊंगा प्रोटीन का लॉजिक नहीं पता है उन्हें तो ये तो सोशल मीडिया के मतलब आई एम थैंकफुल कि अब लोग इतने सारे लोग ये अवेयरनेस दे रहे हैं तो अब थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं लोग

सप्लीमेंटेशन बुरा नहीं है बस आपको पता होना चाहिए क्यों लेना है कहाँ से लेना है कितना लेना है कितना लेना है तो बस तो एक आइडियल बंदे के लिए जो फॉर वेट ट्रेनिंग करता हो उसके लिए क्या सप्लीमेंटेशन आइडियल है जो उसको कंज्यूम करनी चाहिए ये बताओ थोड़ा सा सो बेसिक सप्लीमेंटेशन रखो वे प्रोटीन पहला सेकंड क्रीटीन ठीक है अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है अगर आप फैट लॉस में हो तो भी क्रीटीन लेने की मैं रिकमेंड करता हूँ जरूरत नहीं है

काम पे जा रहे हो थकते हो बहुत चीजें हैं विटामिन सी आपको रेगुलरली चाहिए तो क्योंकि वो तो आपको लेना ही पड़ेगा तो आप ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लो जिसमें विटामिन सी हो जो फास्ट अप का आता है या, तो या, वो आपको हेल्प कर देगा और ड्यूरिंग द वर्कआउट अगर आपको वो भी नहीं लेना तो आप शिकंजी बना के ले सकते हो तो आपका बीपी स्टेबलाइज रखेगा वो परफेक्ट तो इतना ही बहुत है परफेक्ट तो कुछ अपना क्विक क्विक क्वेश्चन है इनके बारे में समझते हैं

पहले हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है उनको पता ही नहीं होता कि जो होता 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 नहीं। जो हार्ट जो एकदम से वो एकदम ऐसे नहीं होएगा वो थ्रू आउट आपकी हेल्थ ही खराब मतलब स्टाइल ही खराब होगा तो उस बंदे को होगा एक टाइम पे जाके सिम्टम्स भी दिखेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा आपकी फैट ज्यादा हो सकता है स्वेटिंग बहुत होगी तो हार्ट अटैक और थोड़ा सा ये डिफरेंस है उसमें जनरली जो अब न्यूज में आ रहा है वो ज्यादातर अरेस्ट है जो आप देखोगे कि एथलीट्स को दिख रहा है जिम वालों को दिख रहा है यूएस में एवरी 40 से एक बंदे को हार्ट अटैक आता है लेकिन वो डेटा कभी दि, दिखाते नहीं है यहाँ बस मीडिया को क्या है ना ये अच्छा एथलीट था या ये था जिम में जाके हार्ट अटैक आ रहा डांस करते हुए हार्ट अरे भाई आ रहा है बट उसका रीजन ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो अब आप

लेकिन किसी को पता नहीं होता बिकॉज दैट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन इन योर हार्ट ठीक है तो उसका किसी को कुछ नहीं पता है हाँ आपकी आर्टरीज गलत है नॉर्मली एक बंदे से अलग तरीके से बनी हुई है तो दैट कैन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो वो आपको नहीं पता चलेगा तो अगर आपको पता करना है तो अपना एक् कराओ और ये सब चीजें चेक करवा लो सब ओके hmm. okay है कार्डिया का तो फिर भी नहीं पता कब है तो देख, अब देख। क्योंकि बॉडी में आपने ऐसी ऐसी चीजें भर रहे हो डाल रहे हो चल रही है लाइफ ऐसा चल रहा है तो ये चीजें प्रोमिनेटली दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आपको ये करने से हो रहा है आधे तो है आधे टाइम तो एंजाइटी होती आपको लगता है कुछ पैल्पिटेशन होता है हो, उसकी टेंशन लेते जब हार्ट अटैक या कार्डियत आना होगा भैया अपने आप आ जाएगा आपको वो आपको दो दिन पहले नहीं बताएगा कि मुझे का रिश्ता आ रहा है या। तो उसकी टेंशन भी लेनी बंद करो बिल्कुल सही है Uh, सही चल रहे हैं अभी बैटरीज ना कोई दिक्कत नहीं सो आई थिंक मोर मिनट्स है तो uh, हेमंत भाई एक चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी जो जिम करने वाले लोग मतलब बिल्कुल भूल जाते हैं इसके बारे में राइट दे आर ओनली यार मसल का स्ट्रेंथ कितना है साइज कितना है ना तो आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसके लिए क्या एडवाइस होगा आपका लोगों के लिए लोगों के लिए मैं हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि वाई आई स्टार्टेड दस ऑफ कैलिस्थेनिक्स वॉज कि सिर्फ मैं ही नहीं चाहता आप कैलिस्थेनिक्स सीखो आप समझो कि

तो उसको इलास्टिक रखने के लिए आपको मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी बिल्कुल ठीक है तो वो ड्रिल्स आपको हफ्ते में एक बार या दो बार डालनी ही पड़ेगी ओस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग करनी जरूरी है प्री वर्कआउट डायनामिक्स वार्म अप करना जरूरी है मोबिलिटी करना जरूरी है तो ये है एक ओवरऑल फिटनेस जो अब लोग बता रहे हैं पुराने जमाने में सब नहीं होता था देसी जिम जेम कुछ नहीं है <laughs> तो एक स्ट्रक्चर की बात करें तो वेन यू स्टार्ट योर वर्कआउट उससे पहले आप थोड़ी सी रनिंग करो क्योंकि आपका ब्लड फ्लो जाएगा ब्लड फ्लो ब्लड को डालो पूरी बॉडी में देन स्टार्ट विद योर जॉइंट मोबिलाइजेशन जो मोबिलिटी आ जाता है डायनेमिक वार्म अप करो फिर यू स्टार्ट विद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लोसिव पावर और स्ट्रेंथ पे काम करो एंड आते आते थोड़ा सा आइसोलेशन पे आओ इंडिविजुअल मसल्स पे काम करो और खत्म करो उसको स्ट्रेचिंग पे स्टार्टिक स्ट्रेचिंग पे ताकि आपकी मसल में फिर से ऑक्सीजन जाए और वो जाए और इसके अलावा हफ्ते में एक बार पूरे दिन ही मोबिलिटी फ्लेक्सीबिलिटी पे काम कर लो hmm. तो आपके जॉइंट्स मसल्स सब सही रहेंगे और क्योंकि कैलिस्थेनिक्स एनिमल फ्लो मूवमेंट ये ट्रेनिंग स्टाइल्स ही ऐसे हैं कि जो ये प्रमोट करते हैं इन चीजों को इसलिए ये इनकलकेट करना जरूरी है आप राइट right. तो मैं ये नहीं बोलता कि जिम जाना बेकार है वेट्स उठाना बेकार है आपको एक होलिस्टिक प्लान चाहिए इसमें right. कैलिस्थेनिक्स तो होगा ही होगा मोबिलिटी भी होगी एक्सप्लोसिवनेस भी होगी और सब होगा वेट्स okay. भी होगा Perfect. वो आपको एक अच्छा स्किल सेट भी देगा अच्छी बॉडी भी देगा और हेल्थ भी देगा परफेक्ट एथलीट्स uh, की बात करें ना तो आई थिंक uh, कोई इंस्पायर अगर बंदा करता है मेरे को भी पर्सनली एंड पीछे कर काफी ट्रेंड में भी रहा है विराट कोहली आई थिंक आई लव द वे दैट ही इज वर्कड ऑन हिज फिटनेस द वे इज ट्रांसफॉर्म हिज बॉडी तो उनकी फिटनेस लेवल्स मान लो अगर कोई अचीव करना चाहता है तो कोई ऐसी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल इनसाइट्स अगर आप शेयर कर सकते हो या फिटनेस इनसाइट्स आप शेयर कर सकते हो दैट विल बी रियली ग्रेट Uh, उनकी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मैं नहीं बोलूँगा लोगों को कि वही आप टारगेट लगा के अचीव कर लो क्योंकि आपको अब मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि बी बेटर देन वॉट यू आर टूडे आप आज जो हो आपका गोल होना चाहिए कल मैं उससे बेटर हो जाऊँ इतना ही सोचना है आपने अब आप सोचो कि मेरे को विराट कोहली जैसे फिटनेस चाहिए अब आप उसका लाइफ स्टाइल करोगे ठीक है वो वेजिटेरियन टर्न हुए हुए हैं पहले नॉन वेजिटेरियन थे अब वो वेजिटेरियन बन गए हैं तो उनको वो सूट कर गया। hmm. Then में उन्होंने, करे। उन्होंने uh, mobility, में उस पे काम करना शुरू कर दिया yeah. आपकी वीकनेस जरूरी नहीं है वो है लेकिन उस लेवल की फिटनेस अचीव करना वो तभी होगी जब आप अपने को बेटर 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 गेट टू दैट लेवल तो इतना ही सोचना है इतना सोचो Perfect.

एक पॉइंट था एक चैलेंज मतलब करने होते थे hmm. उसमें से एक था कि no no hmm. जब आप सीमेंट प्रिजर्व करते हो ना तो दैट एनर्जी दैट यू है आपका जो माइंड सेट है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाता है hmm. आप पता है ये सब चीजें क्यों करते हो hmm. क्योंकि आपके अंदर वो डिजायर आती है hmm. वो तो डिजायर क्यों आते हैं क्योंकि आप देखते हो फोन में आप आसपास देखते हो अगर वो चीज आप बंद कर दोगे ना तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन और फोकस इतना बढ़ जाएगा सीवन रिटेंशन से जो आप पावर जनरेट करोगे ना वो इतना इजी नहीं है ये लेकिन आपको ये लगता है कि ये अच्छा इससे क्या होता है एक बार करने से क्या होता है कुछ नहीं होता ठीक है साइंटिफिकली भी ठीक है आप संतुष्ट भी हो जाओगे लेकिन भाई करना क्यों है आपको एक सिगरेट भी क्यों पीनी है आपको एक पैग भी क्यों पीना है क्यों पीना है इसलिए पी रहे क्योंकि डिजायर डिजायर अंदर वो डिजायर को ही खत्म कर लोगे ना अगर जिस दिन तो मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे फंडा वो है तो करने में प्रॉब्लम नहीं है अब उसके बाद करो उससे पहले करो ओवर करोगे तो प्रॉब्लम है करेक्ट क्योंकि जब आप सीमेंट आप डिस्चार्ज कर रहे हो आपकी जो बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है जब आप करते हो और वो पहला काम वो करेगी वो सीमन रिटेंशन और सीमन प्रोडक्शन में लगाएगी उसको वो मसल बिल्डिंग में नहीं लगाएगी फिर नहीं। अब आपने उसको टाइम ही नहीं दिया अब आप रोज करे करे जा जा रहे रहे हो हो रोज हो। तो आपको टाइम ही नहीं दे रहे ना मसल बिल्डिंग में जाने के लिए तो इसलिए गलत हो गया हफ्ते में एक बार कर रहे हो दस दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप नहीं करोगे आप फिर अलग लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ में चले जाओगे ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका तो माइंड ही चेंज हो जाएगा करेक्ट मतलब ये है और ऐसा नहीं कि मतलब सेक्स नहीं करना या मास्टरबेशन नहीं करनी मतलब यू शुड एटलीस्ट गेट दैट महीना नहीं करना पड़े ना तो मैं नहीं करूंगा मैं डर yeah. के नहीं इतनी, इतना कंट्रोल होना चाहिए आप करेक्ट करेक्ट वेल वेलपुट एक ना एक कॉमन मिसकनसेप्शन और भी लोगों का कि मैं जिम छोड़ दूंगा तो मोटा हो जाऊंगा और अगर नहीं खाऊंगा तो पतला हो जाऊंगा <laughs> ये इसका जवाब बताओ जरा पतले मोटे होते हैं बॉडी टाइप के हिसाब से ठीक <laughs> है मैं अगर मैं एक्टोमार्फिक हूँ एक बंदा एंडोमॉर्फिक हो सकता है तो जब वो कुछ एक्सरसाइज नहीं करेगा तो बॉडी वाटर रिटेंशन स्टार्ट करेगी फैट एक्यूमलेशन स्टार्ट करेगी जो एक्टोमॉर्फिक होगा वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा ऑब्वियस ही बात है जिम छोड़ने के बाद जो ये मोटे पतले होते हैं ना लोग वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने अट्ठारह साल बीस साल तो ऐसी लाइफ जी है जहाँ पे आपने जिम कुछ एक्सरसाइज करी नहीं आपने मस्त खाया पिया सोए फैट बढ़ाया

विच आई फील आई थिंक आइस बात बहुत हेल्प करते हैं फिर कोल्ड तो मतलब शावर really uh, मतलब मुझे हाँ तो uh, क्योंकि ठंड में नहीं कर पाता मैं। मेरे बस की नहीं है ठंड में जैसे जब टेम्परेचर कम हो कि कोल्ड शावर गर्मियों में मेरे लिए बहुत सही है तो ये कैसे कंसिस्टेंट अपनी लाइफ के अंदर क्या इसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए एंड हाउ आई कैन यूज दिस टू ऑप्टीमाइज माई परफॉर्मेंस अगर साइंटिफिकली बात करें तो कोल्ड शार shower... आपको या कोल्ड बाथ जो भी है वो आपको हेल्प करते हैं रिकवरी में तो वो उनको हेल्प करेंगे जिनको इतना काम भी करना है फाइटर्स हैं हैं उनकी रेगुलर फाइट्स होती हैं रेगुलर रेसेस हैं अभी मैंने रेस करी मेरी मैं सोर हो गया बहुत ज्यादा मैं इस बात लूंगा मुझे बूस्ट मिलेगा मैंने फिर रेस करी मेरा काम हो गया एक नॉर्मल बंदा है वो चालीस मिनट वर्कआउट कर रहा है वो भी बहुत ही लो इंटेंसिटी वो कोल्ड शार या आइस बात लेके उसको वो बेनिफिट नहीं होगा जो उसको हो रहा है hmm. उसको क्या बेनिफिट होगा अगर वो कोल्ड बात शार या वो टब ले रहा है उसको ब्रेथ वर्क और मेंटल हेल्थ में बहुत हेल्प मिलेगी hmm. तो वो अपनी ब्रेथ काम कर पाएगा मेंटली वो बहुत स्ट्रांग हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ कामिंग द माइंड वो उसमें हेल्प करेगी लेकिन हाइपोथर्मिया hmm.

लास्ट क्वेश्चन है ठीक तो हेमंत भाई जस्ट टू एंड दिस आई थिंक हैबिट फॉर्मिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट टू ऑल ऑफ थिंग्स आई वी स्पोक अबाउट राइट फ्रॉम न्यूट्रिशन टू योर वर्कआउट रिकवरी प्रोसेस यू नो स्लीप तो ऐसी पांच हैबिट्स बताओ जो आपने भी अडॉप्ट करी हो और जो आप रेकमेंड करोगे एक बंदा देख रहा है जो आज राहुल अठारह उन्नीस साल का है वो कौन सी हैबिट्स अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करे ताकि उसको थोड़ी जिंदगी के अंदर एक समझ आनी शुरू हो जाए और वो उन हैबिट्स की वजह से अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन पा पाए सबसे पहले तो ना आप सबको जो भी टीनेजर्स हैं यंगस्टर्स हैं अपना टाइम दिन का ना एक स्किल डेवलपमेंट में लगाओ hmm. चाहे वो स्किल आपकी सॉफ्ट स्किल हो फिजिकल स्किल हो मेंटल स्किल हो कुछ भी हो आ, कुछ भी hmm. उसमें आपको रोज टाइम लगाना है hmm. उससे क्या होगा यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट योअर सेल्फ एज समन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अपनी नज़रों में कि मैंने इस स्किल, स्किल स्किल सीख ली है एक स्किल खत्म हुई दूसरी उठा लो दूसरी खत्म हुई तीसरी उठा लो स्किल सीखते जाना है लाइफ लॉन्ग सीखते जाना है hmm. सेकेंड आई वुड से आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना शुरू करना पड़ेगा हैबिट बनाओ कि जो टॉपिक आपको नहीं पता है hmm. मतलब जैसे मैं अगर फिटनेस बैकग्राउंड का हूँ लेकिन मुझे अगर फूड इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता है या फिर क्लोथिंग इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता है तो एटलीस्ट मैं उसकी भी नॉलेज लेना शुरू करूँ जिसकी yeah. मेरे पास है तो मैं ले ही रहा हूँ hmm. लेकिन और चीजों की नॉलेज लेना शुरू करूँ वो हैबिट yeah. पढ़ने की learning, है लॉट ऑफ टाइम एंड यू ऑल्सो कैन प्लान लॉट ऑफ थिंग्स और आपका रूटीन बन गया ना एक बार तो आप की बल्ले बल्ले हो जाएगी वे टाइम ठीक है वो राइट थर्ड रूटीन फोर्थ आई वुड से गुस्सा मत करो यार hmm. कंट्रोल लाओ अपने अंदर कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ इमोशन मतलब छोड़ दो गुस्सा करना मतलब अगर आपको गुस्सा आ भी रहे हैं ना चाहे पंच मार लो जाके या पैडिंग कर लो पुशअप्स मार लो पानी पी लो रियक्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी मतलब एक सेकेंड सोच लिया करो कुछ बोलने से पहले और लास्ट वो मेरी सबसे फेवरेट है हाँ जी फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर लेते हैं और फिफ्थ पॉइंट मेरा जो सबसे फेवरेट है कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो बहुत लोग बहुत सारी एनर्जी लगा देते हैं किसी को उल्टा सीधा बोलने में सोचने में सोचते भी हैं कि भाई ये ऐसा है वैसा है आई बिलीव कि साइलेंट रहोगे तो बेटर रहेगा बिकॉज जब आप एक रिएक्शन देते हो ना तो वो आप बिना सोचे समझे देते हो आपका गुस्सा क्या है आपका बस एक रिएक्शन है बेसिकली और आप कुछ ऐसी चीजें बोल सकते हो जो दूसरे को बहुत हर्ट करेगी अनिली hmm. वो आप ही का कर्म में जा रहा है देन, समथिंग yeah. तो you know, yeah. और और बैड क्वाइट। एनालाइज करो यार कि क्या मुझे बोलना है मतलब मेरी एनर्जी जानी चाहिए यहाँ पे और कभी कभी थॉट्स आते हैं आप नहीं बोल पाते तो आपके थॉट्स चलेंगे तो यू हैव टू रिप्लेस दैट इसीलिए मैंने बोला था स्पिरिचुअलिटी में जाओ इससे ये पांच चीजें अगर आप इनकलकेट लोगे लाइफ में तो आई थिंक आपकी काफी चीजें आगे के लिए सॉर्ट हो जाएंगी एज अ टीन जो कि आपको काफी लाइफ में आगे पता चलती है जैसे मैं थर्टी फोर हूँ तो मुझे अब जाके काफी चीजें पता चली यही मेरे को अगर एटीन नाइनटीन में पता होती हो है डिफरेंट होती है <laughs> लेकिन इम्प्लीमेंट करना भी इतना इजी नहीं है yeah, ये आपको कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस ही देते हैं करेक्ट करेक्ट इसमें कुछ नहीं है बट देन पता है तो इटली दिमाग में

पंद्रह मिनट करो एक घंटा करो प्रोफेशन बनाओ पैशन को चेंज करो कुछ भी करो करनी जरूरी है hmm. क्योंकि वो ही आपकी आइडेंटिटी है क्योंकि आप एक कोडेड वर्ल्ड में आए हो आपको पढ़ाया जाएगा डिग्री दिलाई जाएगी जॉब करवाई जाएगी आप जब खुद का अपना कुछ करोगे तो वो आपका अपना है मतलब ये नहीं कह रहा कि आप मॉनेटरी एस्पेक्ट से वो करो yeah. मैं कह रहा हूँ कि जो आपको खुशी दे रहा है आपको पेंटिंग खुशी दे रही है करो आपको

मतलब मैंने आ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे, मेरे को सफरिंग बहुत रही है मतलब मुझे लर्निंग बहुत मिली है तो मेरे को हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए हैं फैमिली इश्यूज भी हुए हैं पर्सनल इश्यूज भी हुए हैं लेकिन जब भी वेन यू फॉल सो उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं है ना नहीं। मतलब यू हैव टेकन द वर्स्ट तो आपके पास क्या होता है कि जो एडवाइस मुझे मिली है कि यार जब आप गिरते हो ना तो आप फिर खुल जाते हो फिर आपको डर नहीं लगता फिर आप फिर उड़ जाओगे मतलब आपको पता है यार ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम जब आप डील करने लगे जाते हो ना लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती है तो मुझे अब कल की डेट के मुझे पता है कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना मैंने मैं, मेरे को पता है कर लेंगे ऐसा हो गया नाइस तो यही एडवाइस है तो जो भी प्रॉब्लम है ना लाइफ में वो सॉल्वेबल ही है क्योंकि वर्ड सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो कभी भी कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है बस टाइम लगता है कुछ चीजें टाइम से ही होती है तो यही एडवाइस है लगे रहो लगे रहो हो जाता है सब हो जाता है लगे रहो करते रहो वर्कआउट न्यूट्रिशन डाइट सोना जल्दी टाइम से उठना बहुत सारी चीज़ें आज के इंटरव्यू में आप लोगों को समझ में आई होंगी तो ये था आज का हमारा एपिसोड हेमंत के साथ आ, इनको अगर आपको ढूंढना चाहते हो इनसे बात करना चाहते हो तो इनका इंस्टाग्राम आईडी का यहाँ पे भी डाल देंगे और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हेमंत अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है डी यू वॉन्ट टू मैं अवेलेबल रहता हूँ अपने इंस्टा पेज पे थ्रू आउट मतलब मैं सारे मैसेजेस चेक करता हूँ और वो

और आज ही हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे भी कुछ पीछे जो हमारे पास स्पेस uh, है यहाँ पे कुछ करेंगे हम लोग देखते हैं धीरे धीरे बताएंगे आपको है ना थैंक्स लॉट गाइज फॉर ट्यूनिंग इन दिस इज मी राहुल विद अनादर एपिसोड ऑफ राहुल को समझ नहीं आता अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग uh, शख्स के साथ उनकी लर्निंग्स उनकी फेलियर्स उनकी लाइफ की कहानी के साथ सो so, अगले हफ्ते मिलते हैं अंटिल देन रिमेंबर लाइफ इज मोर फन वेन आर एट द टॉप ऑफ योर गेम